सरोकार। खबर लखनऊ से है, जहां 15 जनवरी से प्रदेश के सभी जिलों में होंगे निवेशक सम्मेलन। देश विदेश दौरे के बाद 75 जिलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित होंगे कार्यक्रम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले जिलों में होंगे इन्वेस्टर समिट। जनप्रतिनिधि संभालेंगे इन निवेशकों सम्मेलन की कमान। लखनऊ में 15 जनवरी से प्रदेश के सभी जिलों में होंगे निवेशक सम्मेलन। देश विदेश दौरे के बाद 75 जिलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित होंगे कार्यक्रम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक। विवेक, 15 जनवरी से सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। पहले जो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले हैं, 15 जनवरी से जो है सभी जिलों में एक स्थानीय स्तर पे जो है ये निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पहले लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय जनपदीय शिखर सम्मेलन सम्मिलित हुआ था, जिसमें 56,000 करोड़ के निवेश की रूपरेखा भी तैयार की गई थी और लखनऊ को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के हिसाब से यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन था, जहाँ पे हाउसिंग से लेके उद्योग क्षेत्र से लेके एमएसएमई सेक्टर के तमाम जो है वो निवेशक आके यहाँ पे निवेश की रूपरेखा उन्होंने तय की। कुल 56,000 करोड़ रुपए की निवेश की निवेश का एक मसौदा तैयार हुआ था। उसी तर्ज पर 10 से 12 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहे हैं। उसके पहले उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 15 जनवरी से लगातार जो है एक जनपदीय निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिससे जो उन जिलों के जो हथकरघा उद्योग मान लीजिए हो गया या फिर खादी ग्राम उद्योग हो गया, जो पहचान भारत की थी, जो जिलों की पहचान थी, जिससे उन जिलों का जाना जाता था, चाहे वो बुनकरों का काम हो, चाहे वो हथकरघा का काम हो, उनको बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये एक दिवसीय जनपदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कराया जाएगा, ताकि निवेशक भारी मात्रा में यहाँ निवेश करें और एक अलग रूपरेखा और मसौदा जो है लोकल स्तर पर जो है वो तैयार करें। विवेक, देखा जाए 75 जिलों में निवेशक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, किसको क्या पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिली है? देखिए, सरकार का आयोजन है, सरकार जो है प्रदेश के सभी जिलों को जो है वो निवेशकों के जरिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की तैयारी कर रही है। हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है, कहीं कांच का निर्माण अच्छा होता है उसके लिए वो फेमस है, कहीं हथकरघा का निर्माण अच्छा होता है उसके लिए वो फेमस है, कहीं के बुनकर ज्यादा फेमस है, कहीं के बर्तन ज्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। तो जो चीजें जो है वो लोकल स्तर से काफी ज्यादा प्रचलित है, जिनका बहुत दिनों तक जो है दूर दराज तक प्रसिद्धि थी, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको और आगे ले जाने के लिए ये निवेशक सम्मेलन जो है एक दिवसीय जनपदीय शिखर सम्मेलन का आयोजित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सूबे की अर्थव्यवस्था को, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर हथकरघा उद्योग हो, हर किसी क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, ताकि सूबे की अर्थव्यवस्था को वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना मुख्यमंत्री ने देखा है, जो प्रधानमंत्री बात करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसमें सहयोग किया जा सके, उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। हम जान रहे हैं कि 10 से 12 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, जहाँ विदेशी निवेशक आएंगे और यहाँ पे निवेश का मसौदा तैयार हो चुका है, यहाँ पे निवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधिमंडल था मंत्रियों का वो विदेशी दौरा कर चुका है, मुख्यमंत्री समीक्षा कर चुके हैं रिपोर्ट की। अब बात है प्रदेश स्तर के जो निवेशक है, जिला स्तर का जो एक दिवसीय जनपदीय शिखर सम्मेलन है, यहाँ से कुछ क्षेत्रों को निवेश करा के उन क्षेत्रों को और आगे ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके और उस हिसाब से लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिले और लोकल फॉर वोकल का जो फार्मूला है प्रधानमंत्री का, उसको मजबूत बनाते हुए ये इन्वेस्टर समिट जो है आगे दिख रहा है, ताकि लोकल फॉर वोकल की चीजों को ब्रांड स्तर पर विकसित करके एक नाम बनाया जा सके, उत्तर प्रदेश की अच्छी ब्रांडिंग हो सके।
विवेक, बार बार ODOP का जिक्र किया जाता है, किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, ODOP की अगर बात करें तो सरकार ने अपनी जो है मंशा साफ जाहिर कर दी है कि वो हर क्षेत्र में जो है निवेश लेकर आएगी। अभी जो लखनऊ में एक दिवसीय जनपदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वहाँ पे हाउसिंग सेक्टर, MSME सेक्टर और लखनऊ को औद्योगिक रूप से जो है बेहतर बनाने की कवायद देखी जा रही है। लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, लेकिन इसको अब औद्योगिक क्षेत्रों का हब बनाया जा रहा है। MSME सेक्टर में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी सेक्टर ने संभाला है तो वो MSME सेक्टर है। इसमें भी जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, इन जनपदीय सम्मेलन में उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको ब्रांडिंग की जाएगी ताकि देश विदेश में जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो बाकी 75 जिले हैं, वो अपने लोकल ब्रांडों का बढ़ावा देके भी संस्थाओं का पहचान बना जाए, उत्तर प्रदेश की एक अलग ब्रांडिंग जो है वो लेवल पर की जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। श्रावस्ती में CMO का घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मचा हड़कंप। खबर श्रावस्ती से है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की CMO उड़ा रहे धज्जियां। खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर CMO का घूस लेने का वीडियो हुआ वायरल। श्रावस्ती में CMO का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मचा हड़कंप। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की CMO उड़ा रहे धज्जियां। खबर श्रावस्ती से है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता सागर। सागर, CMO का वीडियो वायरल हो रहा है घूस लेते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, साफ साफ की है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर उनकी सरकार काम करेगी। चाहे वो किसी भी अधिकारी पर अगर एलिगेशन लगते हैं, आरोप तय होते हैं, सिद्ध होते हैं, तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। मामला श्रावस्ती जनपद से जुड़ा हुआ, यहाँ पर CMO है शारदा प्रसाद तिवारी जी, उन पर एक आरोप लगाया गया है। उन्हीं के जो लिपिक है, वरिष्ठ लिपिक है कोमल प्रसाद, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो सबसे पूरे स्टाफ से जो कर्मचारी हैं वहाँ पे अवैध तरीके से उग्र वसूली करते हैं, चाहे वो पेंशनर फंड हो, चाहे PF फंड हो, तमाम जो ऐसे फंड होते हैं जो कर्मचारियों को मिलते हैं या फिर वो निकलवाना चाहते हैं, उसके एवज में वो वसूली करते हैं। और ये वसूली करने के एवज में कोमल प्रसाद से भी 50,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन कोमल प्रसाद ने साफ तब ये कहा कि उसके घर में हालात ठीक नहीं है, उसकी पत्नी की तबीयत काफी खराब है। तो इसके एवज में जो CMO है शारदा प्रसाद तिवारी, उन्होंने ये कहा, धमकाते हुए कहा, ये कोमल प्रसाद के बयान है, कोमल प्रसाद ने आरोप लगाया, ये कहा CMO ने कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कतें साबित हो सकती हैं। तो कुल मिला के कोमल प्रसाद ने ये फैसला लिया गया कि CMO को 5,000 रुपए देंगे, और 5,000 रुपए देते हुए कुल मिला के कोमल प्रसाद ने वहां पर वीडियो बना लिया। वीडियो जो है इंटरनेट पे वायरल किया गया है, किस तरह से वायरल हो रहा जी सागर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, क्योंकि वहां पर CMO से भी अगर पूछा गया, CMO का भी बयान लेना चाहा, तो CMO ने साफ साफ ये कहा कि अस्पताल में जो पूरी मेडिकल के जो ठेकेदार हैं, जो भूमा माफिया है, जो माफिया के तौर पर काम करते हैं, उनके द्वारा कोमल प्रसाद के द्वारा उन्हें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, ये सब आरोप निराधार है। तो कुल मिला के ये जांच का विषय बनता है। और जो बात करूं कोमल प्रसाद की, जो वर्ष नीतिक है वहां पर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अभी पिछले साल ही उनका यहाँ पे तबादला हुआ, तब से वो मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं CMO द्वारा और तमाम लोगों द्वारा, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। तो कुल मिला के कोमल प्रसाद ने ये भी वीडियो बनाया है कि 5,000 रुपए CMO ने घूस लिए है। देखने वाली बात यह कि कोमल प्रसाद एक तरफ प्रमुख सचिव हो गया, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हो गए, जो कि जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनको भी पत्र लिख चुके हैं, वहाँ के DM और SP को भी पत्र लिख चुके हैं। अब फिलहाल देखना यह भी होगा कि जो विभागीय कार्रवाई होती है CMO पर कब होती है, और क्या CM योगी या ब्रजेश पाठक इसका इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हैं या फिर क्या एक्शन लेते हैं CMO पर। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर।
भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को मिला हथियार का लाइसेंस। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर मिल रही थी जान से मारने की धमकियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकियां मिलने के चलते मिल रहा है लाइसेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है नूपुर शर्मा को लाइसेंस। भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को मिला हथियार का लाइसेंस। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर मिल रही थी जान से मारने की धमकियां। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विभांशु। विभांशु, नूपुर शर्मा को अब हथियार का लाइसेंस मिल चुका है सेल्फ डिफेंस के लिए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेत्री जिन्हें एक पैगंबर मोहम्मद अभद्र टिप्पणी के मामले में निलंबित किया गया था, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि को लेकर उन्हें लाइसेंस मिला है, जिससे वो कहीं ना कहीं उनको जो सुरक्षा में वो बताई थी हमारी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे परिवार को भी धमकी मिल रही है, साथ ही उन्हें जान से मारने की अलग अलग जगहों से धमकियां मिली। इसके बाद अब गृह मंत्रालय ने उन्हें लाइसेंस मुहैया कराया। आपको बताएं कि मई के महीने में नूपुर शर्मा एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के बाहर भी इसका प्रदर्शन हुआ था। साथ ही आपको बताएं कि नूपुर शर्मा को जान से मारने के लिए धमकी दी गई थी, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किए गए थे। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनके पद से निलंबित की और सार्वजनिक तौर पर नूपुर शर्मा अपने बयानों को माफी मांगते हुए नजर आई। आपको बताएं कि एक टीवी बहस के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर उनके पुतले जलाए गए, साथ ही साथ उनको जान से मारने की धमकी मिली। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उनको उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया है। वही आपको बता दें कि जब नूपुर शर्मा ने मई के महीने में ये बयान दिया था, उसके बाद देश के साथ साथ अन्य देशों में भी इसका विरोध हुआ था। साथ ही अगर बात की जाए तो ईरान, इंडोनेशिया से लेकर सीरिया, टर्की, तमाम जगहों पर जो मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहां पर भारी विरोध देखने को मिला था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद था, साथ ही साथ भाजपा से उन्हें पूर्ति रूप से निष्कासित किया। और आने वाले दिनों में देखने की बात यह होगी कि नूपुर शर्मा जो लगातार आरोप लगाती रही है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उनके परिवार को कहीं ना कहीं खतरा है, उसको देखिए लाइसेंस मिला है, साथ ही साथ में सुरक्षा पहले भी प्रदान की गई थी। अब देखने की बात यह होगी कि इसको लेकर अभी तक क्या कहता है। जी जी, जिस तरीके से विभांशु आपने बताया कि हथियार का लाइसेंस उन्हें मिलेगा लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए है, तो इसके पहले भी तो धमकियां आती थी उनको। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया कि नूपुर शर्मा जब मई के महीने में उसके द्वारा विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं देखे तो देश के साथ साथ अन्य देशों में भी उनका विरोध हुआ था। उसके बाद उनकी तरफ से एक हथियार का आवेदन किया गया था, जो अब उन्हें स्वीकृति मिली है। तो कहीं ना कहीं देखे तो उनके द्वारा जो आवेदन था उसको अब स्वीकृति मिली है, अब उन्हें अब शस्त्र का लाइसेंस मिलेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने दलील दिया है कि सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे हथियार चाहिए, तो अब उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें हथियार प्रदान किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। शहर से खबर है जहां बाइक सवार युवक को डंफर ने रौंद दिया। युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी डंफर चालक को किया गिरफ्तार। छतारी में काली नदी पुल के पास हुआ है हादसा। बुलंदशहर में घर में सोते समय वृद्ध पर जानलेवा हमला, बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल वृद्ध की कराहट की आवाज सुनकर उठे थे परिजन। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई। वृद्ध की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए किया गया रेफर।
थाना खुर्जा देहात के फतेहपुर बुजुर्ग का है पूरा मामला। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो